चार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम पे जो हमारी रीच डाउन हो जाती है उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, और क्या केवल इंस्टाग्राम की तरफ से ही रीच डाउन होती है या हमारी भी कुछ गलतियाँ होती हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए चैनल के साथ बने रहना भाई। अगर नए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो जितनी जल्दी हो सके चैनल सब्सक्राइब करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि कोई भी काम की वीडियो आए तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। स्किप मत करो किसी वीडियो को, आप ही का इसमें बहुत फायदा है। और हाँ, उससे पहले मैं एक बात और बोलूँगा, जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं यानी कि मेरे सब्सक्राइबर्स, कि आप अगर मुझे DM करते हो इंस्टाग्राम पे, आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ना मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजा करो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ताकि मैं कोशिश किया करूँ उसको। जैसे मैंने किसी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, तो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसमें कई बार ऐसा होता है कि मुझे ट्यूटोरियल के रूप में स्टेप बाय स्टेप समझाना होता है कि इस तरीके से ही प्रॉब्लम दूर होगी। तो अगर कन्वर्सेशन लंबी खिंच रही है DM में, तो आप कोशिश किया करो कि आप बस मुझे प्रॉब्लम बता दो, मैं आपको जवाब दे दिया करूंगा कि मैं वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। क्योंकि लंबी कन्वर्सेशन में होता है कि बाकी लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाता, और जाहिर सी बात है समय बहुत सीमित होता है। तो ज़्यादा देर लंबा जो DM का वो है कन्वर्सेशन, अगर मैं उसको करता हूँ तो उससे बाकी लोगों को जवाब नहीं मिल पाता। तो आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप बेझिझक होकर DM कीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको जवाब दे दूं कि हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया और मैं वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ समझा करो, ठीक है ना। प्लीज़ उस बात का बहुत मना करो, ठीक है ना। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। देखो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे जो हमारी रीच डाउन होती है उसके पीछे कई सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इंस्टाग्राम अपनी तरफ से भी कई बार रीच को डाउन कर देता है, और ऐसा इसलिए भी होता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ये सही बात भी होती है कि इंस्टाग्राम हमें मोटिवेट करता है कि आप अपने कंटेंट की क्वालिटी को सुधारिए। और उसकी जो मशीन लर्निंग सिस्टम है, जब उसमें अपडेट होता है, जो उसका एल्गोरिथम है, जो वर्क जो करता है, जिसके बिहाफ पे हमारी रीच को बूस्ट मिलता है, उसमें भी अपडेट आते रहते हैं। तो जब अपडेट आते हैं ना, तो पुराना जो एल्गोरिथम है वो तो वर्क करता नहीं, नया वाला जो है वो वर्क करेगा, तो उसके बिहाफ पे भी जो रीच है वो कई सारे अकाउंट्स की डाउन कर दी जाती है। लेकिन अगर इंस्टाग्राम की तरफ से रीच डाउन हुई है तो कई सारे क्रिएटर्स होंगे, उनकी रीच डाउन होगी। और दूसरा जो रीज़न होता है इसका, वो ये होता है कि अगर सपोज़ करो कि बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो वाईफाई से तो नेट चला नहीं रहे, उन लोगों का क्या है मोबाइल रिचार्ज कराया और उससे ही वो रील वगैरह देखते हैं। तो उसमें ये होता है कि कई बार जब बारिश वगैरह होती है ना, वेदर चेंज होता है, तो उसमें भी यूज़र्स जो है वो मोबाइल का यूज़ ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा स्पीड तो आ नहीं पाती। तब भी ऐसा होता है कि रीच जो है वो डाउन हो जाती है, और वो लोग जो व्यूअर्स होते हैं वो हमारे कंटेंट को देख ही नहीं पाते नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, तो इस वजह से भी रीच डाउन होती है। लेकिन इसका जो तीसरा रीज़न है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है एज ए कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि वो गलती आप ही की होती है। और क्या क्या गलती होती है वो सुन लीजिए। आपने एक रील को अपलोड किया, और रील को अपलोड करने के बाद नॉर्मली आपने जैसे ही अपलोड किया उसे शेयर कर दिया, और शेयर करने के बाद खुद ही उस रील को देख लिया, और कई बार ऐसी गलती भी करते हैं कि खुद ही उसको लाइक कर दिया। तो भाई ये गलती आप नहीं किया करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जो इंगेजमेंट आपने दिया, इंगेजमेंट का मतलब लाइक करना या कमेंट करना, वो अनऑथेंटिक है। यानी कि उस पर आपने जो इंगेजमेंट किया है वो किसी और ऑडियंस की तरफ से नहीं आया है, आपकी खुद की तरफ से आया है। तो मशीन लर्निंग सिस्टम को क्या लगेगा कि आप इस पर स्पैमिंग कर रहे हो। देखो, जब हमारी वीडियो पर कोई लाइक करता है तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है कि समवन लाइक योर रील, तो वो जब लाइक करेगा तो वो नोटिफिकेशन पहले जाएगा इंस्टा की तरफ, और इंस्टा हमें भेजता है। समझ पा रहे हो उस पॉइंट के लिए? वो जो नोटिफिकेशन आया, किसी ने हमारी पोस्ट पे कमेंट किया, तो वो कमेंट पहले कहाँ जाएगा? उसका नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम पे, उसके सर्वर पे, और वहाँ से वो हमारे पास भेजता है कि इस व्यक्ति ने आपका जो पोस्ट है या जो रील है उसको लाइक किया। इस लाइन को बहुत गौर से समझ लेना कि पहले वो इंस्टाग्राम के सर्वर पे जाएगा और वहाँ से हमारे पास आता है, चाहे हमारा जैसे हम किसी और ID से लाइक करते भी हैं तो वो पहले वहाँ जाएगा नोटिफिकेशन, और वहाँ से हमारे पास आएगा। यानी कि उसके मशीन लर्निंग सिस्टम को पता चल जाता है कि ये जो इंगेजमेंट हुआ है ये ऑथेंटिक हुआ है या अनऑथेंटिक हुआ है। समझ में आ रही है बात को? तो इसीलिए अपनी किसी भी रील पे या पोस्ट पे खुद ही कमेंट ना करें। और अगर एक फ़ोन में ही 10-15 ID बना रखी है ना आपने, एक तो जेनुअन ID और बाकी की वैसी वाली ID, तो भाई उनसे भी लाइक शेयर मत करें, क्योंकि फ़ोन की जो ID है, फ़ोन का जो भी डिटेल है, वो इंस्टाग्राम के पास पहले से ही सेव हो जाता है। आप किसी भी एक ID से अगर लॉगिन करते हैं ना, तो आपके फ़ोन की पूरी डिटेल पहुंच जाती है। हालांकि ये टॉपिक जो है ये डिटेल में समझाने वाला है, और जब आप कहोगे ना मैं तब आपको डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे कैसे इंस्टाग्राम वगैरह ये सोशल मीडिया हैं ये आपके फ़ोन का एक्सेस लेती हैं, और कैसे ये आपकी डिटेल जो है वो कलेक्ट करती हैं, ये अलग टॉपिक है। लेकिन इतना तो समझ जाओ कि आपके फ़ोन में अगर 10 ID भी हैं तो उसके पास 10ों का डेटा है, ये तो मानते हो ना। तो आप किसी भी तरह से अनऑथेंटिक इंगेजमेंट ना करें अपनी पोस्ट पर, इससे क्या आगे चल के बोनस और ये गिफ्ट वगैरह ये भी मिलने के चांसेस बंद हो जाएंगे।
दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि जब हमने रील को अपलोड किया तो हम ना उसे अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करना शुरू कर देते हैं, खुद ही उनके डीएम में पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये गलती भी आपको नहीं करनी है, अपनी किसी भी रील को अपने तरीके से, अपनी खुद की आईडी से या अपने फ़ोन में जो आईडी है ना उनसे शेयर नहीं करना है। उन्हें और लोगों को शेयर करने के लिए बोलो, उन्हें इंस्पायर करो कि वो उसे शेयर करें। आपके फ्रेंड सर्कल में आपका कोई फ्रेंड उसे शेयर कर सकता है, डिवाइस जो है उसके फ़ोन का वो अलग होना चाहिए, और उससे अगर वो उसको शेयर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके उसी डिवाइस से जिसमें आपने उस आईडी को लॉगिन कर रखा है और जिससे रील अपलोड हुई है, भाई उससे आपको शेयर नहीं करनी है। ये गलती बहुत सारे क्रिएटर करते हैं, मुझे डीएम में बताते हैं, तो मैंने सोचा वीडियो में मैं अब उन लोगों को समझा दूं भाई ये गलती नहीं करनी है। तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि जब हम रील को अपलोड करते हैं तो कई बार क्या होता है उसका जो कवर फोटो होता है ना वो इंस्टाग्राम अपने हिसाब से ही बना लेता है, तो हमें उस कवर फोटो को भी एडिट करके बहुत अच्छे से उसे रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि जब हमारी रील किसी के पास जाती है ना तो एक सेकंड के लिए जो व्यूअर है, जो रील को देखने वाला है, उसकी निगाह उस कवर फोटो पे ही पड़ती है और उसके बिहाव पे ही वो हमारी रील को देखने के लिए उत्साहित होता है कि लाओ यार रील देखते हैं इसकी, वरना क्या है वो तो स्क्रॉल कर देगा। अब जब रील उसके पास पहुंची तो इंप्रेशन तो बना लेकिन उसने देखा नहीं उस रील को, तो इंस्टाग्राम का जो मशीन लर्निंग सिस्टम है उसको क्या लगेगा, इस रील में कुछ दम नहीं है और इसको रीच मत दो। वो उन रील्स को रीच देता है जिसपे लोग क्लिक करें, तो इसीलिए आपको जो कवर फोटो है ना वो बहुत अच्छा लगाना है। चाहे आप उस रील से रिलेटेड लगा सकते हैं या उससे मिलता जुलता दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन कवर फोटो का ध्यान रखना है कि रील पे आपको कवर फोटो बहुत अच्छा लगाना है, आई कैचिंग लगाना है। चौथी गलती जो सारे क्रिएटर करते हैं रील अपलोड करते समय, और वो क्या है कि वो जैसे उन्होंने एक रील को अपलोड किया उसके थोड़ी देर बाद वो दूसरी रील अपलोड कर देते हैं ये सोच के कि इस पर व्यू मिलेंगे, तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। आपने एक रील को सपोज करो सुबह अपलोड कर दिया तो उसे पूरा दिन देना चाहिए ताकि वो और लोगों तक बूस्ट होती जाए, उस पर व्यू आने शुरू हों। आप ये मत सोचो कि पहली पे नहीं आए तो दूसरी पे आ जाएंगे, तो आपको क्या है आपको थोड़ा वेट करना है, और वेट करने के बाद दूसरी रील जब आप अपलोड करें तो उसे थोड़े डिस्टेंस पे, टाइम के डिस्टेंस पे तब अपलोड करें। जैसे सुबह मान लो आपने 11 बजे की, तो शाम की रील जो आपकी होनी चाहिए वो लगभग 5:30 या 6 बजे करीब होनी चाहिए, ताकि पहली रील को थोड़ा घूमने का समय तो मिले, उस पर व्यू आने का समय तो मिले। अब लोग जब होम सेक्शन में आएंगे या रील फीड में आएंगे तो पहली रील पे व्यू आए नहीं, उससे पहले दूसरी रील आ गई तो पहली वाली तो स्किप हो जाएगी ना, तो इसीलिए आपको समय का भी अंतर रखना है। चौथी चीज़, हैशटैग को ज़्यादा नहीं लगाना है किसी भी तरह से। और अगर आप जैसे रील अपलोड कर रहे हो और रील अपलोड करने के साथ साथ आपने क्या करा कि अरे यार मेरे फॉलोअर कम हो रहे हैं तो लाओ 150 लोगों को फॉलो करके अनफॉलो कर दे रहे हैं ताकि फॉलोअर बढ़ जाएंगे, तो ये गलती भी उस समय ना करें। आप मिनिमम दिन भर की 5 या 10 लोगों को फॉलो कीजिए, और ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जिनसे रिलेट करता हुआ आपका खुद का कंटेंट है। तो उससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम के मशीन लर्निंग सिस्टम को ये लगेगा कि यार ये बंदे ने इनको फॉलो कर रखा है, तो जब उनको कोई सर्च करेगा ना तो उनके सजेशन में आपका अकाउंट जाएगा, और उससे क्या होगा कि उससे आपकी रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी, याद रखना इस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि जब हमें कंटेंट अपलोड करना है तो हमें क्या गलती नहीं करनी है। समझ में आई हो तो कमेंट आना चाहिए, लाइक होना चाहिए और शेयर, और अगर नहीं समझ में आया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अपनी क्वेरी मुझे कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में समझा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।